नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। जिस फैसले का इंतजार पूरे देश को दशकों से था, वो फैसला आज आ गया है। विवादित जमीन पर अब वहां पे राम मंदिर बनाया जाएगा। जमीन पर राम जन्मभूमि न्याय का हक होगा। साथ ही मुस्लिम पक्ष को ये जमीन भी दी जाएगी। जमीन का एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दिया जाएगा। विवादित जमीन पर बनेगा राम मंदिर, यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग जमीन देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। अयोध्या में 5 एकड़ जमीन जो है वो बात दी गई है मुस्लिम पक्ष को देने की, जो बात की गई है कोर्ट ने ये बात कही है। सबसे पहले चीफ जस्टिस ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद निर्मोही अखाड़े का भी दावा सबसे पहले खारिज कर दिया गया था। उसके बाद सबसे पहले बात हुई थी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग जमीन देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। मुस्लिम पक्ष को जो जमीन है वो दी गई। जमीन का एक हिस्सा यानी कि 5 एकड़ जमीन देने की बात कही गई है। अब तक का सबसे बड़ा फैसला, जिस फैसले का इंतजार दशकों से लोगों को था, वो फैसला यानी कि आज वो उस फैसले की जो सुबह से ही इंतजार लोगों को था, वो फैसला 10:30 बजे न्यायाधीश की पीठ ने वो फैसला सुना दिया है। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है कि जो फैसला है वो राम मंदिर के पक्ष में सुना दिया गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए इरफान शेख, पॉलिटिकल एडिटर, मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। तो इरफान जी, क्या था ये पूरा मामला, जो क्या डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था 2.77 एकड़ लैंड जो था उन 3 हिस्सों में बांटा गया था, सुन्नी वक्फ बोर्ड को, निर्मोही अखाड़ा को और रामलला को दिया गया था वो, तो उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और आप ये मान के चलिए कि लगभग 9 साल के बाद आज जजमेंट आया है। और ये जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। और जिस डिस्प्यूट को लेकर के लोग राजनीति करते थे, हिंदू मुसलमान की और एक कम्युनल पॉलिटिक्स की बुनियाद रखते थे इस मुद्दे को लेकर के, उसका आज एक अंत हुआ है। आज जीत भारत की संविधान की हुई है और इसके लिए मुबारकबाद के काबिल हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब। और इस जीत को पूरी तरीके से सार्थक तब माना जाएगा जब पीस प्रिवेल करेगा पूरे हिंदुस्तान में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। और मैं इसमें मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, आपके अमित शाह साहब, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं भारत में और सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर से डायरेक्ट वो मुखातिब हो रहे हैं और सबसे ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर इशू ना रहे। और मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के मुसलमान इस बात को मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस लैंड को राम जन्मभूमि निवास को दे दिया गया है और एक ट्रस्ट बनाने का आदेश भी दिया गया है। उस ट्रस्ट को बनाने के पीछे में मकसद ये है कि एक रिसीवर बिठाया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिसीवर वहाँ पर बैठेगा और 3 महीने का टर्म निश्चित किया गया। और अच्छी बात यह है कि 5 एकड़ लैंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया है जिसमें अयोध्या के अंदर ही एक मस्जिद का वो निर्माण करें। और ओवैसी साहब का ये स्टेटमेंट, ये कहना कि हमें खैरात में नहीं चाहिए, हमें भीख में नहीं चाहिए, बहुत सारी मस्जिदें हैं पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में भी, दुनिया में, जहाँ पे किसी नवाब ने गिफ्ट किया हो लैंड मस्जिद के लिए, किसी राजा ने गिफ्ट किया हो लैंड मस्जिद के लिए, तो ये बहुत अचंभे की बात नहीं है, ये कोई चैरिटी की बात नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ गिफ्ट उस लैंड को दे रहा है। पर एक बड़ी बात है कि ओवैसी क्या इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल जो ये बातें कर रहे हैं, क्या ये मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश है या क्या है, इसको क्या कहेंगे? बात है, जाहिर सी बात है कि देखिए, ओवैसी की राजनीति इसी बात पर टिकी हुई है। वो जहरीला कमेंट देते हैं और वो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। जो जाहिल और अनपढ़ मुसलमान है वो उनके बातों में आ जाते हैं और वो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं और वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो इस मुल्क के लिए सही नहीं है। और अल्टीमेटली आज इस्लाम को बदनाम, पाकिस्तान जैसा मुल्क है जो जहाँ पे टेरर मॉड्यूल्स पनप रहे हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम बदनाम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है
कि जो प्रॉपर सिटीज़न है हिंदुस्तान के, उनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से भड़कीले स्टेटमेंट के पीछे ना जाएं। वो सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं, वो एक राजनीति, वो मुसलमानों की मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका कॉग्निजेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए। और जाकिर नायर साहब आज कहाँ पे हैं? उन्होंने भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, आज वो छुपे हुए हैं, असाइलम लिए हुए हैं मलेशिया में। तो कोई भी मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर इस तरह की बातें ना करें कि उन्हें हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़े। जी कहा जा रहा है कि 5 एकड़ जो फैसले में आया है कि 5 एकड़ ज़मीन जो है मस्जिद के लिए दी गई है, तो कहाँ पर अयोध्या में कुछ इस तरह की कुछ बात आ रही है, कहाँ पर दी जाएगी, इसको कौन डिसाइड करेगा? क्या गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगी या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ बताएगा? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि जो पार्टी सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो, उनको चॉइस दिया जाएगा कि आपको कहाँ पर लैंड चाहिए। और वो मुझे ऐसा लगता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ये तय करेगा कि उन्हें मस्जिद के लिए लैंड कहाँ पर चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनल पॉलिटिक्स की जो बुनियाद रखी गई थी, ये आप इस फैसले से एक बात मान करके चलिए कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। दिस वॉज नॉट अ फाइट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री। तो ना तो इसमें किसी की जीत हुई है ना किसी की हार हुई। हाँ, इस बात की जीत हुई है कि हिंदुस्तान को पीसफुल बनाने के लिए राम मंदिर का निर्माण होना ज़रूरी था और वो चीज़ हुआ है। और इस अदालत से आप देखिए एक पीसफुल इन्वायरमेंट हो रहा है। बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ था, उस का जो बुनियाद था वो नफरत के बुनियाद पे उसको डिमोलिश किया गया था, लेकिन आज जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ये मोहब्बत के आधार पे हो रहा है। जफरयाब जिलानी साहब ने भी कहा कि आई एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओवैसी साहब ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि मैं आई डोंट एग्री, वो एक अलग इशू है, अपनी राजनीति को बचाने के लिए वो इस बात को कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन नहीं है, कोई भी ऐसा मुस्लिम नहीं है जो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मैं नहीं मानता हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि मीडिया भी एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट किया उन्होंने। और मैं मीडिया वालों से ये दरख्वास्त करूंगा, बड़े बड़े चैनल्स हैं, सबको लोग देखते हैं, तो कम से कम उन लोगों का स्टेटमेंट वो ना दिखाएं जो जहरीले बयान दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि वो खुश नहीं है इस वर्डिक्ट से, उनको बॉयकॉट करें, उनको दिखाई क्यों रहे हैं। इरफान जी, आप पत्रकार के अलावा मुस्लिम गौ रक्षा संघ के अध्यक्ष भी हैं, आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, क्या है? देखिए मैसेज, मुस्लिम गौ रक्षा संघ के अध्यक्ष होने के कारण मैं एक बात ये कहूँगा कि हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि गाय का दूध जो है सेहत का कारण है, गाय की घी जो है उसमें शिफा है, आपको उससे दवाई का काम करता है, और काओ मीट जो है वो हानिकारक है, जहरीला है, ये हदीस है। तो जिस बात जो आक्रांता आए, मुग़ल आक्रांता आए, उन्होंने क्या क्या कन्याओं को उठाया, ब्राह्मणों को मारा, गाय को काट के खा गया, उन्होंने देखा कि एक जानवर है जिसको ये पूज रहे, तो एक दहशत कायम करने के लिए वो टेरर क्रिएट करके काबिज़ होना चाहते थे, सत्ता चलाना चाहते थे, एक रूलर थे, वो आक्रांता थे। तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके लिए मोहम्मद साहब रिस्पेक्टेबल हैं, प्रॉफिट हैं, उनकी बातों को मानना चाहिए। और जो लोग राजनीति की वजह से लोगों को गुमराह करते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो उनके पूर्वज ये आक्रांता नहीं थे, एंड दे शुड नॉट फॉलो व्हाट द मुगल रूलर्स डिड। मुझे ये, मेरा ये मानना है कि इस्लाम का मतलब है, मुसलमान का मतलब है मुसलसल ईमान, वो ईमान के साथ चले और इस मुल्क के लिए ऐसा काम करें कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में उनकी इज्जत हो। आज भी जब मिडिल ईस्ट में जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप हिंदुस्तान से हैं या पाकिस्तान से हैं, तो जब मैं बताता हूँ कि आई एम फ्रॉम इंडिया तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, उनको भरोसा है यहाँ के लोगों पर, जो चीज़ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं है। मैंने ये खुद इस चीज़ को देखा है वहाँ पर। इरफान जी एक सवाल और है, क्या हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जो फैसला आया है ये किन आधारों पर, किन क्या क्या वो चीज़ें थी जिन पर गोगोई साहब ने फैसला सुनाया है? देखिए 5 जजों का ये मिला जुला जजमेंट है और ये जो बेंच है इसमें 5 जज थे और यूनानिमस डिसीजन है ये, इसमें किसी का एक आदमी का डिसीजन नहीं है। और इसमें ये कहा गया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो एविडेंस पेश किए सुप्रीम कोर्ट के सामने में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लगातार 40 दिनों तक वो उस पर बहस चलती रही, सबने अपने अपने पक्ष दलीलें रखी और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पर उन्हें ये आधार मिला है, ASI के जो एविडेंस है उसके बेसिस पे ये तय हुआ है कि वो राम जन्मभूमि है और इसलिए रामलला को वो जगह दिया जाए। और उसमें जो क्लेम किया था सुन्नी वक्फ बोर्ड ने या निर्मोही अखाड़ा, उस क्लेम को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया।
और एक रिसीवर बिठाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो उस राम मंदिर के निर्माण के कार्यों को देखेंगे। और जाहिर सी बात है, मस्जिद में और दरगाह में, मज़ार में ये फ़र्क है कि किसी का दरगाह अगर है, कोई अगर मज़ार है, तो उसको डिसलोकेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मस्जिद को डिसलोकेट किया जा सकता है। ये गल्फ कंट्रीज़ में भी हुआ है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे मस्जिदों को डिसलोकेट किया गया। मस्जिद एक वर्शिप का जगह है, नमाज़ के लिए ज़रूरी है कि आप वज़ू करें, नमाज़ के लिए ज़रूरी है कि किबला की तरफ आप सिजदा करें, और बेसिक क्राइटेरिया नमाज का ये है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव 24।